हेलो डियर पाइसिस, पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश कुमार ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि के लिए जनरल रीडिंग करेंगे। ये रीडिंग जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 31 जुलाई तक के लिए वैलिड होगी। तो अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मूनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपको मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि ये ओवरऑल ये सप्ताह आपका कैसा रहने वाला है। लव लाइफ देखेंगे, साथ में कुछ काम भी देखेंगे और लास्ट में जो भी आपका एक क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे। तो चलिए देख लेते हैं, पहले 3 मूनोलॉजी के कार्ड लेते हैं, वो आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं। तो पाइसिस राशि के लिए ये सप्ताह क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देख लेते हैं। ए न्यू स्टार्ट इज कमिंग, जो नई स्टार्टिंग है, नई जर्नी है आपकी शुरू होने वाली है। ये फियरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, आप को जो छोटी मोटी बाधाएं जो रुकावटें हैं उनसे डरने की जरूरत नहीं है। फाइनल रिजल्ट पर जाइए, अपने गोल पर फोकस कीजिए, छोटी मोटी चीज़ों को डर कर परेशान मत होइए। ये पर्सनल इश्यू रीचेज रिजोल्यूशन, जो आपकी व्यक्तिगत प्रॉब्लम्स हैं वो उनका समाधान होने वाला है, उनका निवारण होने वाला है। ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक, यूनिवर्स जी आपको मैसेज देना चाहते हैं कि जो आपका समय चल रहा है आप किसी को कुछ दीजिए, दान दक्षिणा दीजिए, पैसे दीजिए, कपड़े दीजिए, खाना खिलाइए, पंछियों को दाना दीजिए, कुत्तों को दूध पिलाइए, जैसे भी जो भी मदद बन पड़े वो, किसी से कुछ लेने की बजाय कुछ देने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो आपका समय है ये देने का है, दूसरे से हेल्प लेने का नहीं है। तो आपका जो ये समय है अभी, ये न्यू स्टार्ट इज कमिंग, आपकी नई शुरुआत हो रही है। आपके रिश्तों में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, जहाँ भी आप नई स्टार्टिंग करना चाहते थे, जो रुके हुए थी, जो पेंडिंग थी, वो वहाँ नई जर्नी आपकी शुरू हो सकती है। एंड ए फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, जो आपको सडनली कुछ भी अचानक से हो सकता है, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जो भी है, मतलब अचानक से कुछ आपको ऐसा एहसास होगा जिसके बारे में आप सोच नहीं रहे थे। तो ये कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं, तो आपके लिए कुछ ना कुछ डेफिनेटली पॉजिटिव ही होगा। तो कुछ ना कुछ अचानक से कुछ अच्छी न्यूज़, अच्छे मैसेज आपको मिल सकते हैं, तो आपको उनके लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ए फेयरी क्लाइमैक्स अप्रोचेज, यानी कि छोटे छोटे ऑब्स्टिकल बाधाएं, उनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। आप फाइनल गोल की तरफ फोकस कीजिए। एंड जो भी आपके पर्सनल इश्यूज हैं, जो भी आपकी व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जो भी प्रॉब्लम है, उनका समाधान होगा, उसका बहुत जल्दी निवारण होगा। तो आपका जो समय है एक अच्छा समय शुरू हो रहा है। आप तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका ओवरऑल कैसा रहेगा। यूनिवर्स गाइड कीजिए प्लीज़ पाइसिस राशि के लिए ये महीना कैसा, ये सप्ताह कैसा जा सकता है 23 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक। देखते हैं ये सप्ताह कैसा रहेगा। पेज ऑफ कप्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स। तो ये सप्ताह आपका ओवरऑल बहुत अच्छा जा सकता है। जिस चीज के लिए आप अटके हुए, अगर आप जो की बातें करते हैं, बिजनेस की बातें करते हैं, तो जिसके लिए आप लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे, आपका काम नहीं हो पा रहा था, आप जॉब आपके लिए बर्डन बन चुकी थी, बिजनेस आपके लिए बर्डन बन चुका था, आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे थे, तो वहाँ आपको जो है गवर्नमेंट जॉब लगने के
काफी अच्छे आसार दिख रहे हैं। जो ऑलरेडी जॉब में हैं उनको इंक्रीमेंट मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकती है, अथॉरिटी वाली जॉब मिल सकती है। गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर अप्लाई किया तो वहाँ आपके जॉब मिलने के अच्छे चांसेस हैं। बिजनेस आपका काफी सक्सेसफुल रहेगा। अगर आप फॉरेन में जाना चाहते थे या स्टेट चेंज करना चाहते थे या बिजनेस चेंज करना चाहते थे तो यहाँ ट्रांसफॉर्म के ट्रांसफर के भी योग बनते हैं। काफ़ी फॉरेन से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छा आपका जॉब बिजनेस जा सकता है। आपकी जो भी डिजायर हैं, जो भी सपने हैं, उनके लिए एनर्जी अच्छी बन सकती है। ये नहीं कि एक हफ्ते में ही आपकी जॉब लग जाएगी या आपका बिजनेस एकदम हाई लेवल पर पहुंच जाएगा, लेकिन जो एनर्जी है वहाँ पॉजिटिव है, वहाँ चीज़ों में सुधार देखने को मिलेगा। आपकी पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको धीरे धीरे करके लगेगा कि आप अपनी मंजिल पर पहुँच चुके हैं, पहुँचने वाले हैं, और यहाँ आपको एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। अगर आप एक छोटी सी बिगनिंग शुरुआत करते हैं, हो सकता है कि जो आपका जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है या लव लाइफ है, लव लाइफ में भी यही कि जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन चुका था, हो सकता है कुछ रिश्ते में अड़चने, दिक्कतें आ रही हैं, तो सामने वाले से माफ़ मांग लीजिए या माफ़ कर दीजिए और एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए। जो रिश्ता आपके लिए बर्डन और बोझ बन रहा था तो वहाँ कमिटमेंट वगैरह अगर आप देने के लिए रेडी होते हैं तो सहनाइयाँ बच सकती हैं, खुशियाँ हो सकती हैं, शादी हो सकती है, विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये रिश्ता हो सकता है। और जो रिश्ता, जो बर्डन आपको लग रहा था, वो आपको एक नई दिशा, एक नया मोड दे सकता है। तो काफ़ी, और जो फिजिकली और मेंटली आप डिस्टर्ब थे, जो हेल्थ वाइज अगर देखते हैं तो जो परेशानी, जो तकलीफ आपको हो रही थी, तो वहाँ आप उस स्ट्रेस से, उस एंजाइटी से, उस प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे और फिजिकली, मेंटली, इकोनॉमिकली, जैसे भी है, हर तरह से, हर लिहाज से आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। हर चीज़ में आपको सुधार देखने को मिलेगा। ये सप्ताह ओवरऑल आपका अच्छा जा सकता है, काफ़ी इसमें जो है अच्छा दिखाई दे रहा है, काफ़ी अच्छे कार्ड्स इसमें आए हैं। अब देख लेते हैं जो भी आपका एक क्वेश्चन है, प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और 10 सेकंड के लिए 3 बार अपने क्वेश्चन को अपने मन से दोहराइए। आप उसके लिए आपको 10 सेकंड का समय दिया जाता है। आपका समय शुरू हुआ। अब आप धीरे धीरे करके, आपकी 10 सेकंड पूरी हुई, आप जो भी आपका क्वेश्चन है उसका जवाब एंजल जी दे रहे हैं। एंजल कहें, गॉड कहें, शिव कहें, माता रानी कहें, जो भी नाम दें, नाम अनेक हैं, चीज एक है, भगवान कहें तो इंसा अल्लाह कहें, तो जिस पर भी आप बिलीव करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वही आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब दे रहे हैं। और ये रहा आपके सामने, तो देख लेते हैं। अनलक के लिए जो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, सक्सेस एंड बॉटम ऑफ द डेक कॉम्प्रोमाइज। यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा कि आपको कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत है, यानी कि एक दूसरे के साथ समझौता करने की ज़रूरत है। एक दूसरे के साथ समझौता कीजिए, मिडल ग्राउंड में आइए, कुछ अपने खुद आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कुछ सामने वाले को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहिए। और जो ये समय आपका अच्छा नहीं चल रहा है, जो ये समय वक्त आपका अच्छा नहीं चल रहा है, तो वहाँ आपको अपने रिश्तों में कह सकते हैं, जॉब बिजनेस में कह सकते हैं, जहाँ भी आपका काम अटका हुआ है, जहाँ भी आप परेशानी और दुविधा में हैं, तो वहाँ आपकी सिचुएशन में सुधार देखने को मिल सकता है। अगर आप पॉजिटिवली कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, एक दूसरे से समझौता करेंगे, तो वहाँ आप, जो समय आपका सही नहीं है, वक्त सही नहीं चल रहा है, तो वहाँ उन चीज़ों में सुधार होगा, इम्प्रूव होगा काफ़ी, और आपको सफलता मिलेगी। ट्रस्ट कीजिए, भरोसा कीजिए, यकीन कीजिए, आपके रिश्तों में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके फाइनेंस में, हर जगह सुधार देखने को मिलेगा। जहाँ जो भी आप सोच रहे हैं, तो जो समय आपका अच्छा नहीं था, वक्त अच्छा नहीं था, तो वो वक्त आपका अच्छा आएगा और आपके रिश्तों में सुधार होगा, आपके काम में सुधार होगा, लेकिन आपको मिडल ग्राउंड में आने की ज़रूरत है, समझौता करने की ज़रूरत है। अगर आप समझौता करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी तैयार हो जाते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी।
तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे आगे वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए, नमस्ते, थैंक यू सो मच।